Hello students, I am Niharika Patil from Shipra Vidyalaya. Children, today I am going to read and explain Trans-Himalayan Range, Purvanchal Range, life on this region and importance of Himalayas. So start Trans-Himalayan Range. The Trans-Himalayan Range lies to the northwest of the Himalayas beyond the river Indus. This region consists of many mountains ranges like Karakoram Range, Pir Panjal Range, Ranges of the Himalayas. The Jashkar Range and the Kailash Range. This range consists of many mountain range. ये जो ट्रांस हिमालयन रेंज है ये इसमें बहुत सारी माउंटेन्स रेंज है. काराकोरम रेंज, फिर पंजाल रेंज, हिमालयस ऑफ द हिमालयस, द जश्कर रेंज एंड द कैलाश रेंज. के टू एंड माउंट गोनविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट जो है 8611 मीटर, द सेकेंड हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड. ये जो केटू माउंट गोनविन ऑस्टिन जो रेंज है इसके जो पिक है हाइएस्ट पिक 8611 मीटर की है, जो वर्ल्ड की सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पिक है. सबसे हाइएस्ट माउंटेन पिक जो है वो माउंट एवरेस्ट है के जिसकी जो हाइट अप्रॉक्सीमेटली 8800 के लगभग है. द सेकेंड हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड इज ऑफ द काराकोरम रेंज. इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ एशिया. ये जो है वन ऑफ द एक ग्रेटेस्ट रेंज है एशिया की. नेक्स्ट पूर्वांचल रेंज. पूर्वांचल रेंज, द पूर्वांचल रेंज लाइज अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. द पूर्वांचल रेंज लाइज अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. दिस रेंज आर नॉट वेरी हाई. देयर एवरेज हाइट इज लेस देन 3000 मीटर. दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट्स. द नॉर्थ Eastern hills includes Garo, G-A-R-O, Garo, Khasi, K-H-A-S-I, Khasi, J-A-I-N-T-I-A, Jayantia, N-A-G-A, Naga, Lushai, L-U-S-H-A-I, Lushai, and Mizo Hill. The northeastern hills include Garo, Khasi, Jayantia, Naga, Lushai and Mizo Hill. Mizo Hills, Purvanchal Range जो है उसके eastern, उसमें eastern, northeastern part में ये hills हैं. Now children, life in the region. अब हर जगह के atmosphere और के अनुसार वहाँ के लोग जो है उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अनुसार उनकी जो बॉडी है वो अडॉप्ट, वो वहाँ रहने के लिए उनमें कुछ अडॉप्टिव फीचर्स डेवलप हो चुके रहते हैं. सो अब यहाँ जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती तो वहाँ किस तरीके से लाइफ है. द हिमाद्री रीजन इज वेरी कोल्ड throughout the year. This makes it very difficult for people and animals to live here. Jammu and Kashmir, parts of Himachal Pradesh and Sikkim lie in this region. Jammu and Kashmir, parts of Himachal Pradesh and Sikkim lie in this region. जम्मू एंड कश्मीर और
हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ भाग जो हैं वो इस हिमाद्री रीजन में आते हैं। द वुलर एंड द डल आर द टू फेमस लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। द वुलर एंड डल, वुलर झील और डल झील का नाम सुना होगा, लेक तो ये बहुत ही फेमस लेक है यहाँ की। हाउस बोट्स एंड शिकारा, SHIKARAS, शिकारा, शिकारास आर फाउंड हियर। हाउस बोट्स एंड शिकारास आर फाउंड हियर। ये यहाँ जो है बहुत बड़े बड़े शिकारे या हाउस बोट होते हैं, मीन्स ऐसे बोट जहाँ जिसमें घर बना हुआ होता है, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे शिकारे होते हैं। टूरिज्म इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन दिस रीजन। यहाँ रहने वालों का मेन सोर्स, इनकम का मेन सोर्स टूरिज्म होता है। टूरिज्म इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन दिस रीजन। द पीपल ऑफ द स्टेट कीप कंगारी अ स्मॉल पॉट विथ बर्निंग कोल अंडर देयर लूसे आउटर गारमेंट्स टू कीप देमसेल्व वार्म। यहाँ जो है घरों के अंदर कंगीरा जला के रखते हैं, जो जो एक पॉट होता है, स्मॉल पॉट होता है जिसके अंदर कोयला जलता हुआ रहता है। ठीक है। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर ईद एंड शिवरात्रि। यहाँ मेन फेस्टिवल ईद और शिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। सिक्किम हैज पीपल बिलोंगिंग टू थ्री मेन ट्राइब्स। सिक्किम हैज पीपल बिलोंगिंग टू थ्री मेन ट्राइब्स। यहाँ थ्री मेन जनजातियाँ निवास करती हैं, लेपचा, भूटिया एंड नेपाली। यहाँ तीन जनजातियाँ लेपचा, भूटिया एंड नेपाली अधिकतर निवास करते हैं। वुमेन इन सिक्किम वेयर अ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड बाकू। वुमेन इन सिक्किम वर अ लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड बाकू। यहाँ की जो औरतें हैं वो एक लॉन्ग स्कर्ट वेयर करती हैं जिसे बाकू कहा जाता है, BAKU, बाकू, जिसे बाकू कहा जाता है। द प्लेस इज फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड्स। यहाँ यहाँ ये जो प्लेस है वो यहाँ के ऑर्चिड बगीचों के कारण काफ़ी फेमस है। देयर आर मैनी ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस इन द हिमाचल रेंज सच एज शिमला, डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली, विच आर ऑल्सो द मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स। देयर आर मैनी ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस इन द हिमाचल रेंज। जो हिमाचल रेंज है ना, जो हिमाचल रेंज है जैसे मिडल और लेजर हिमालयस कहा जाता है, उस रेंज, वह रेंज जो है उसमें मैनी हिल स्टेशंस है जो बहुत ही, जिसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। देश से ही नहीं, इवन बाहर से भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं। उस दे आर शिमला, डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली। इन द गढ़वाल एंड कुमन रीजन्स ऑफ उत्तराखंड पीपुल आर मोस्टली फार्मर्स। इन द गढ़वाल एंड कुमन रीजन्स ऑफ उत्तराखंड पीपुल आर मोस्टली फार्मर्स। यहाँ के लोग जो है मोस्टली फार्मर्स है। मैसूरी एंड नैनीताल आर द पॉपुलर हिल स्टेशंस हियर। मैसूरी एंड नैनीताल आर द पॉपुलर हिल स्टेशंस हियर। दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर इट्स टी गार्डन्स। दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर इट्स टी गार्डन। दार्जिलिंग जो है अपने टी गार्डन्स के कारण काफ़ी मशहूर है।
द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज सुटेबल फॉर ऑर्चिड्स, ये यहाँ के जो क्लाइमेट्स है वो ऑर्चिड्स के फूलों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। लुक हियर चिल्ड्रन, ये ऑर्चिड्स के फ्लावर्स हैं, ऑर्चिड्स के फ्लावर्स हैं। तो जो हिमाचल रेंज है वहाँ ऑर्चिड्स के बहुत ज़्यादा बहुत अधिक फ्लावर्स हैं। राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर। राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन हियर। एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट्स आर रेयर्ड इन द हिल्स। इन द कुल्लू रीजन पीपल मोस्टली स्पीक हिंदी। कुल्लू रीजन में लोग जो हैं वो अधिकतर हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। दशहरा, दशहरा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ दिस रीजन। दशहरा जो है यहाँ का मेन फेस्टिवल है। थिक फॉरेस्ट एंड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द शिवालिक रेंज। शिवालिक जो रेंज है वहाँ बहुत अधिक थिक फॉरेस्ट है। स्लोप ऑफ दिस माउंटेन्स आर यूज फॉर ट्रेस फार्मिंग। कैटल्स रेयरिंग इज कॉमन इन दिस रीजन। कैटल रेयरिंग इज कॉमन इन दिस रीजन। देर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ बहुत ज़्यादा अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड नेशनल पार्क्स हैं इन दिस रीजन। राइस, पोटैटोज एंड मेज आर कॉमनली ग्रोन हियर। राइस, पोटैटो एंड मेज आर कॉमनली ग्रोन हियर। नाउ चिल्ड्रन, अब ये जो हिमालयाज है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज। हाई माउंटेन रेंज एंड पीक्स ऑफ द हिमालयाज एक्ट एज अ बेरियर, एक्ट एज अ बेरियर अगेंस्ट एनिमीज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ अवर कंट्री। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया, कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। जो हिमालयस की जो पिक है और माउंटेन रेंज है वो एक बेरियर का काम करती है, रुकावट का काम करती है। ये हमारे जो देश की दुश्मनों हैं उनको आने से इधर रोकती है और साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं को भी ये रोकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। द हिमालयस प्रिवेंट रेन बेरियर्स क्लाउड फ्रॉम स्केपिंग नॉर्थवर्ड बियॉन्ड इंडिया। दिस कॉजेज रेनफॉल इन इंटायर नॉर्दर्न इंडिया। द हिमालयस क्या करती है? रेनफॉल के जो क्लाउड्स हैं उनको उड़ने से रोकती हैं, जिससे हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छी अधिक वर्षा होती है। देयर आर डेंस फॉरेस्ट अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। अ रिच वैरायटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस हिमालयस के कारण यहाँ बरसात ज़्यादा अच्छी होती और इसी के कारण वहाँ थिक फॉरेस्ट भी हैं और यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी मिल पाई जाती। बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ हैं। द हिमालयस आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंदूस, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्राइब्यूटरीज। दीज रिवर्स मेक्स अवर लैंड फर्टाइल। हाँ, हिमालय से गंगा, इंडूस एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स निकलती हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।